बच्चों को संस्कार दिए। स्टोर रूम किसी और ने नहीं बनाया, प्रिंसिपल ने बनाया। प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति पहले से बहुत बेटर। उन्होंने भी आश्वासन दिया कोई सफाई कर्मी सफाई करने के लिए नहीं आएगा। बच्चों के लिए हमने फर्नीचर की व्यवस्था पूरी की है, टीचर पूरे हैं। फर्नीचर की कोई सुविधा नहीं है। कभी जो है उन्होंने कहा नहीं, अगर फर्नीचर करें तो मैं फर्नीचर की पूर्ति कराऊंगा। रूम ही नहीं है तो बच्चे बैठेंगे कहाँ? मैंने प्रशासन को चिताया है, कोशिश करूंगी जल्दी काम शुरू। आज का दिन पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये दिवस देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के मौके पर आज हम आपको प्रशासन की बदलती शिक्षा व्यवस्था की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जहाँ एक स्कूल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यूपी में सुशासन का प्रचार तो खूब किया जाता है, पर यूपी की जमीनी हकीकत ठीक इस प्रचार से उल्टी है। यूपी में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की दिशा और दशा दोनों ही ठीक नहीं है। केंद्र सरकार सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत लाखों करोड़ रुपए राज्यों को मुहैया कराती है, जिनसे स्कूलों में सुविधाएं बेहतर कराई जाती हैं। लेकिन प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा की बुनियादी सुविधाएं खोजे नहीं मिलती हैं। हम आपको दिखाते हैं प्राथमिक विद्यालय मुबारकपुर की कुछ ऐसी ही तस्वीरें, जिसमें आप देख सकेंगे कि इस स्कूल को कितनी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मौजूदा हालात आप इस वक्त मुबारकपुर के प्राथमिक विद्यालय की देख रहे हैं, जो ग्रेटर नोएडा में है। नमस्कार, मैं शुभी महेश्वरी और आप जनहित टाइम्स देख रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही और उदासीनता के कारण यहाँ के हालात आप खुद ही देख सकते हैं। इस तरफ ये गंदगी बारिश में, इधर ये पूरा कीचड़। कमरों के नाम पे सिर्फ 3 से 4 कमरे और हालात जीरो। आश्वासन पे आश्वासन देते रहते हैं विधायक, लेकिन काम एकदम जीरो। जब इस मामले में हमारी संवाददाता शुभी महेश्वरी ने स्कूल की प्रिंसिपल से स्कूल की बिगड़ती हालत के बारे में जानना चाहा, तो पहले तो प्रिंसिपल आनाकानी करते हुए हमारी संवाददाता पर भड़कती नजर आई। आप भी देखिए किस तरह प्रिंसिपल साहिबा गुस्से से आग बबूला हो रही हैं। क्या है, कैसे रोग है, क्यों फोटो लिया जा रहा है? मैम, आईडी के साथ आए हैं, प्रूफ के साथ आए हैं, कैसे लोग का क्या मतलब होता है? ये लीजिए आईडी, डिस्टर्ब नहीं कर रहे हमें, आप हमारा काम करने दीजिए। तो देखा आपने किस तरह प्रिंसिपल साहिबा गुस्से से लाल हो गई हैं। खैर, अब इस बात को यहीं छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि गुस्से से लाल हुई प्रिंसिपल हमारे साथ अब बात करने के लिए मान गई हैं। बातचीत के दौरान जब उनसे साफ सफाई और शौचालय के बारे में बात की गई, तो उनका क्या कहना है सुनिए। प्राथमिक स्कूल की मौजूदा हालात को देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा है। शौचालय, 4 शौचालय हैं जिनमें से 3 बंद हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रसोई कक्ष, जिसमें कोई सामान नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्राथमिक विद्यालय की प्रिंसिपल। मैम, शौचालय तो 4 बनवाए हुए हैं, पर खुला सिर्फ 1 ही है, क्यों? खुला हुआ है, ऐसा थोड़ी ना नहीं खुला हुआ है। मैम, आप खुद देख सकते हैं 4 बंद है। कि उतनी ही खोला जाएगा ना, आवश्यकता कैसी मैम? स्कूल बच्चे जब जाएंगे तो खोल दिया जाएगा। 2 खुले हुए हैं, 2 तो खुले हुए शौचालय है, 1 ही खुला हुआ दिख रहा है मुझे। एक वो खुला हुआ, 2 खुले हैं, कहाँ आपको एक दिखा? सारे क्यों नहीं खोले गए? हालत अगर हम शौचालय की देखें तो इतने गंदे पड़े हुए हैं। है कि यहाँ पे कोई सफाई कर्मी सफाई करने के लिए नहीं आएगा, यहाँ मुझे खुद ही करवाना पड़ेगा। और बच्चे जब जाते हैं शौचालय तो शौच करके उसके बाद फिर वापस आते हैं, फिर बंद कर देते हैं। ये बारिश के मौसम में ये इतनी गंदगी हो रखी है, आपने कभी प्रशासन को शिकायत नहीं की इस बारे में? नहीं, शिकायत की है, लेकिन बारिश में तो हर जगह गंदगी रहती है। वो तो बारिश के बाद तो फिर वो सफाई तो होती ही रहती है, लेकिन अभी कल भी बारिश हुआ है, परसों बारिश हुआ है, आप दिल्ली वगैरह में भी। मैम, ये सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में रोज का रोज। आपने प्रशासन को शिकायत दिया, आपने नोटिस दिया प्रशासन को?
सरकारी स्कूल में कोई पियोन की जगह नहीं है, यहाँ पर हम अध्यापक ही काम करते हैं, हमारे बच्चे हम सब के सब मिलजुल कर के काम करते हैं। सरकार को आपने दिया हालात, सरकार प्रशासन को बताया, ये बताया कोई मुआवजा मिला इन सब को ठीक कराने के लिए? कोई मुआवजा नहीं मिला है, ये हमारा शिक्षक विभाग जो है इस पर वो जो भी करेंगे वो काम उन्हीं करेंगे। और मैं यहाँ जो है अपना प्रॉपर प्रिंसिपल हैं आप, प्रिंसिपल पे अधिकार तो होता है ना स्कूल के, ये जो मौजूदा हालात है उसके बारे में प्रशासन को बताने का, प्रशासन को नहीं बताएंगे तो प्रशासन कैसे एक्शन लेंगे? तो प्रशासन को तो बताया ही जाता है, वो तो है कि नहीं, कि नहीं बताया जाता। अभी तो हमारे यहाँ तेजपाल तो उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि ठीक है इसको हम मैं काम आश्वासन ही दिया, आश्वासन के आगे कुछ नहीं किया, आश्वासन के अलावा तो अभी तो काम नहीं हुआ है, तो फिर यही तो बोलेंगे अभी। कब आए थे तेजपाल जी? ऐसे ही हो गया होगा, एक दो महीना हुआ होगा। दो महीने से अब तक यहाँ पे आश्वासन ही देकर चले गए, कोई काम नहीं कराया गया? कोई काम अभी नहीं हुआ, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारा विभाग ही काम करवाएगा इसका जो है। मैं बराबर एप्लीकेशन वैसे तो देती ही रहती हूँ, लेकिन सूचना भी बराबर हम लोग से मांगा जाता है। अभी मैं अभी कल ही सूचना दी। आपने अगर कोई नोटिस जारी किया तो आप हमें दिखा सकते हैं वो नोटिस, अगर आपने कोई प्रशासन को भेजा है? नहीं नहीं, प्रशासन को तो मैं अथॉरिटी को दे दे, अथॉरिटी वाले भी बोलते हैं। मैम कॉपी तो रहती है, अगर हम किसी भी चीज़ को करते तो कॉपी उसकी रहती है, आपके पास है कॉपी? कॉपी मैं सबमिट कर दी हूँ, है होगी कॉपी, लेकिन ये हमारा विभाग ही अथॉरिटी वाले भी कहते हैं ये शिक्षा विभाग ही काम करवाएगा। काम तो मैं काम शिक्षा विभाग ही करवाएगा, पर मैं उस नोटिस की बात कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी नोटिस जाता है तो उसकी एक कॉपी रहती है, और कॉपी अगर रहती है तो वो आपके पास होनी चाहिए। ये कॉपी है, वो सब कुछ है, और हमारा विभाग जो है बराबर, मैं सूचना भी देती रहती हूँ बराबर, वो सूचना आप मुझे कॉपी दिखा दीजिए एक बार। मेरा विभाग ही जो है वो कॉपी, तब वो मेरा विभाग कॉपी नहीं देता है जब मैं कॉपी मांग नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप मुझे दिखा दीजिए, अगर आपने एक नोटिस जारी किया है तो आप मुझे वो दिखा दीजिए। अगर अदर विभाग से अपनी कमियां बताऊंगी, या उनसे मैं चाहती हूँ कि वो मेरी कमियां दूर करें, तब तो वो मैंने वो एप्लीकेशन लिख दिया है, वो एप्लीकेशन गया भी है, लेकिन अगर मेरा विभाग के पास जो भी है तो वो सूचना हम लोग ऑनलाइन देते रहते हैं, वो जैसे सूचना मांगते हैं मैं वैसे देती रहती हूँ। मैम का कहना है कि वो जैसे जैसे सूचना मांगते हैं वैसे वैसे देते रहते हैं। नोटिस की अगर हम बात करें तो नोटिस की कॉपी दिखाने के लिए साफ तौर पर मना कर दिया गया है। मैम मुझे एक बात बताइए कि एक कक्षा में दो दो क्लास चल रही है, क्यों? क्योंकि कक्षा आप लोगों ने नहीं की, कर दी कंप्लेंट, हर साल कंप्लेंट जाती है, हर साल कंप्लेंट जाने के बाद भी कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। तो मतलब आप यहाँ काम करते हैं, आप खुद यहाँ के हालात देख सकते हैं, देखिए यहाँ के हालात, रसोई कक्ष की जगह क्या बना, क्या वो कुछ भी नहीं है, तो क्यों लिख रखा है यहाँ रसोई कक्ष अगर आंगनवाड़ी केंद्र है? तो ये तो रसोई कक्ष के ही रूप में था, लेकिन जब आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है और आंगनवाड़ी यहाँ पे है तो वो सामान अपना कहाँ पे रखेंगे, इसलिए रसोई में ही उनका सामान रखा गया है। और ये बारिश के हालात में इतनी गंदगी हो रही है, बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, अब देखिए बच्चों ने मास्क नहीं लगा रखा है, भले ही नीचे बैठ के पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मास्क नहीं लगा रखा। कुछ बच्चों पे है, उनके माँ बापों से बोलते हैं, समय समय पे मीटिंग भी होती रहती है, जो ग्रुप बनाए हुए हैं हमारे बच्चों के जो ऑनलाइन पढ़ाई हुई है। मास्क तो अगर उनके पास नहीं है तो आप भी तो प्रोवाइड करा सकते हैं, अब क्लास में बैठ के भी वो मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो ये तो ये देख सकते हैं कि ये नोटिस है जो इन्होंने अथॉरिटी प्रशासन प्राधिकरण का ये नोटिस है जो इन्होंने लिखा है, ये पूरा स्थिति जो भी है इस मुबारकपुर की स्कूल की, ये पूरा नोटिस जारी किया गया है इन लोगों की तरफ से, लेकिन अगर प्रशासन ही कोई एक्शन नहीं ले रहा तो कैसे यहाँ की स्थिति सुधरेगी, चाहे बारिश हो चाहे कोई सा भी मौसम हो, स्थिति यहाँ की सुधरेगी कैसे? तो सुना आपने, प्रिंसिपल का सीधा और साफ शब्दों में कहना है कि शौचालयों की सफाई कराने के लिए प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं की जाती है, उन्हें खुद ही सफाई करवानी पड़ती है, क्योंकि स्कूल में कोई चपरासी या सफाई कर्मी नहीं है, जिसके कारण अध्यापकों को खुद ही बच्चों के साथ मिलकर स्कूल के काम करने पड़ते हैं। वहीं प्रिंसिपल ने ये भी कहा कि प्रशासन की ओर से स्कूल की व्यवस्थाओं को ठीक कराने के लिए कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया है। बातचीत के दौरान प्रिंसिपल ने ये भी बताया कि बीते कुछ महीनों पहले
विधायक तेजपाल सिंह नागर ने भी स्कूल का दौरा किया था और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। लेकिन विधायक द्वारा स्कूल का दौरा करने के बाद भी स्कूल की व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि विधायक तेजपाल सिंह नागर ने भी स्कूल को सिर्फ आश्वासन ही दिया। लगभग 2 महीने से ज्यादा का समय गुजर जाने के बाद भी विधायक स्कूल की व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं करा पाए। आपको बता दें कि विधायक तेजपाल सिंह नागर को 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दादरी निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना गया है। उन्होंने 2 बार के विधायक रह चुके सतवीर सिंह गुर्जर से 80,177 वोटों के अंतर से चुनाव में जीत हासिल की। आपको ये भी बता दें कि विधायक खुद यूपी में हाई स्कूल के प्रिंसिपल रह चुके हैं और आज भी लोग विधायक जी को गुरुजी कहकर पुकारते हैं। विधायक तेजपाल नागर को शिक्षा के क्षेत्र में कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। बावजूद इसके विधायक स्कूल से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हमारे संवाददाता स्कूल का जायजा लेने के बाद स्कूल की समस्याओं को लेकर दादरी विधायक तेजपाल सिंह नागर से बातचीत करने पहुंची। सुनिए उन्होंने स्कूल की समस्याओं पर क्या कहा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तेजपाल सिंह नागर, जिन्हें लोग गुरुजी के नाम से जानते हैं। एक प्रसिद्ध राजनेता जिन्हें विधानसभा उत्तर प्रदेश के चुनाव में दादरी क्षेत्र से विधानसभा सदस्य के रूप में चुना गया है। आप खुद एक प्रिंसिपल रह चुके हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आपको कई पुरस्कार मिले हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहन जी, मैं एक शिक्षक हूं, आज मैं अपने आप को शिक्षक समझता हूं। सन 81 से 85 तक मैं मिहिर भोज इंटर कॉलेज दादरी में टीचर रहा। 85 में मेरा सिलेक्शन प्रधानाचार्य के रूप में हो गया श्री संत उना इंटर कॉलेज वैदपुरा में। 85 से लेकर के 2018 तक मैं प्रिंसिपल रहा। मैंने शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को संस्कार दिए, अनुशासन पढ़ाया, शिक्षित करे और करते करते मुझे 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने दादरी विधानसभा से टिकट दिया। जब हम एक प्राथमिक विद्यालय में गए, मुबारकपुर के एक प्राथमिक विद्यालय में गए, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आपको कई बार पुरस्कार मिले हैं, लेकिन जब हमने वहाँ का सिचुएशन देखा थोड़ा निराशाजनक था, थोड़ा कहें या ज़्यादा निराशाजनक लगा, क्या कहेंगे आप उस पर? क्योंकि पता चला कि आश्वासन तो दिया गया लेकिन काम नहीं हुआ। देखिए, मुबारकपुर की जहाँ बात कर रहे हैं उस विद्यालय में मैं भी गया, वहाँ पर मैंने निर्माण के विकास के कार्य कराए। विद्यालय में देखा रास्ते अब ऊँचे हो गए हैं, विद्यालय नीचा हो गया है। मैं प्रशासन और शासन के दिमाग में लाया हूँ उस बात को, उसकी व्यवस्था। जो स्थिति इस वक्त नजर आ रही है, 4 शौचालय हैं जिनमें से 3 पर खुद मैंने ताला लगा हुआ देखा था, कमरों की कमी पड़ रही है, एक कक्षा में 2 क्लास बैठ के पढ़ रहे हैं, तो प्रशासन की नज़र में ये बात क्यों नहीं जा रही है? नहीं, प्रशासन की नज़र में ये बात जा रही है, मैंने भी प्रशासन को चिताया है, क्योंकि वहाँ पहली व्यवस्था थी अतिरिक्त कक्षों के लिए। हमने लिखा है, बेसिक शिक्षा मंत्री से कहा है, अतिरिक्त कक्ष की व्यवस्था कर रहे हैं। विद्यालय क्योंकि रास्ते ऊँचे हो गए हैं, विद्यालय नीचा हो गया, पानी निकलने में दिक्कत है, पानी निकलने में दिक्कत है, थोड़ा गंदगी पड़ी हुई है आसपास, और कहें तो प्रिंसिपल के कक्ष में, क्योंकि आप भी एक प्रिंसिपल रह चुके हैं तो आप जानते हैं सब कुछ, प्रिंसिपल के कक्ष में स्टोर रूम बना दिया गया है। देखिए, वहाँ अभी बिल्डिंग की कमी है, स्टोर रूम किसी और ने नहीं बनाया, प्रिंसिपल ने बनाया, क्योंकि शिक्षण कक्षों की कमी है। मैंने बेसिक शिक्षा मंत्री को लिखा है, वहाँ अतिरिक्त शिक्षण कक्ष दिवा रहे हैं, कि एक नोटिस स्कूल की तरफ से भी जारी किया गया था, उन्होंने बोला आश्वासन मिला है, तो ये कब तक वहाँ काम होगा? प्रशासन क्या आंख मूंद के बैठी है? देखिए, जैसे ही पैसा हमसे मंजूर होता है उत्तर प्रदेश सरकार से अतिरिक्त कक्षों के लिए, वैसे ही वहाँ काम शुरू हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा जल्दी काम शुरू हो जाए, क्योंकि बारिश का मौसम है, सड़क तो बनवा दी गई है पक्की, लेकिन विद्यालय के अंदर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पानी भरा हुआ है, बच्चे कैसे आए जाएं? मैंने बताया नहीं बहन जी, उसमें दिक्कत ही आ गई, सड़क ऊंची हो गई है, नाली ऊंची है, पानी निकलने में दिक्कत है। मैं गया था, मैंने खुद मौका देखा है, मैं उस तरफ प्रयासरत हूँ, मैं उनका काम को जल्दी कराऊँगा।
क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र में जाने जाते हैं, तो ये एक अहम मुद्दा बन जाता है इस तरफ ध्यान देना। क्या हम ये कह सकते हैं कि स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल फेल नहीं हुआ, प्रशासन कहीं ना कहीं फेल हो गई है? नहीं, प्रशासन फेल कहीं नहीं हुआ है। एक आध स्कूल की ऐसी स्थिति है, अगर आप प्राइमरी स्कूलों में जाएंगे तो आप देखेंगे प्राइमरी स्कूलों में, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ, प्राइमरी स्कूलों की स्थिति ऐसी थी पहले कि प्राइमरी स्कूल आप देखेंगे फर्नीचर है सब में, प्राइमरी स्कूलों में टीचर पूरे पर्याप्त मात्रा में है, शिक्षण पूरे मात्रा उसमें रेशो में, और कॉलेज की साज सज्जा भी बढ़िया है। उस कॉलेज की क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी हैं, वहाँ जगह कम है, जमीन कम है, तो ये थोड़ी उसमें दिक्कत हुई है। लेकिन सवाल ये है कि विधायक जी खुद स्कूल गए, स्कूल की समस्याओं का जायजा लिया और जायजा लेने के बाद समस्याओं के निस्तारण के लिए आश्वासन भी दिया, लेकिन विधायक जी को इस बात की जानकारी ही नहीं हो पाई कि स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर है भी या नहीं। बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं, लेकिन विधायक जी ने फिर एक बार आश्वासन देते हुए कहा कि अगर स्कूल की ओर से उन्हें बच्चों के लिए फर्नीचर रखवाने के लिए कहा जाता तो वो रखवा देते। लेकिन जितनी भी जगह है उसमें भी फर्नीचर नहीं था, बच्चे नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं। अब मुझे तो आश्चर्य है जो आप ये बात कह रही हैं कि फर्नीचर नहीं है। सर कभी जो है उन्होंने कहा नहीं, और अगर फर्नीचर कभी तो मैं फर्नीचर की पूर्ति कराऊंगा। बातचीत के दौरान आगे विधायक नागर ने अपने शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों और उपलब्धियों को भी गिनाया। जिस विद्यालय में आप खुद प्रिंसिपल रह चुके हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया अक्टूबर 2085 में, तो उस स्कूल में 250 बच्चे थे, हाई स्कूल था। उसमें जो हम जहाँ एंट्री करते हैं विद्यालय से, उसकी बाईं साइड में नहर का पानी भर जाया करता था, बच्चों की छुट्टियां हो जाया करती थी। अगर आपका उस स्कूल में दौरा हो तो आप देखना 85 के बाद कितना डेवलपमेंट हुआ। मैंने उस कॉलेज में हाई स्कूल था, हाई स्कूल के बाद मैंने उस कॉलेज को इंटरमीडिएट कराया, आर्ट साइड से कराया, साइंस साइड से कराया, साइंस में बायोलॉजी गणित दोनों कराए, कॉमर्स से कराया, और जब मैं वहाँ से रिटायर होकर के आया उस समय लगभग 1500 से अधिक बच्चे और 1700 के बीच में बच्चे थे। और आप अगर वहाँ जा कर के देखेंगे तो आप देखेंगे आमूल चूल परिवर्तन हुआ उसमें विद्यालय में, आमूल चूल परिवर्तन उस विद्यालय के अंदर। आप देखेंगे शिक्षण कक्ष कितने अच्छे हैं, आप देखेंगे लैब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की कितनी अच्छी हैं, स्मार्ट कंप्यूटर लैब उस विद्यालय की ऐसी है जो मैंने बनवाई, सैमसंग कंपनी से बनवाई, कि उत्तर प्रदेश के ADD स्कूलों में ऐसे स्मार्ट कंप्यूटर लैब मिलती नहीं है। प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति पहले से बहुत बेटर हुई है। पर उसकी स्थिति अगर अब बेटर हुई है तो पहले क्या स्थिति होगी फिर उसकी? पहले स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, और मैं बेटर इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल रहा, और जब से विशिष्ट BTC के शिक्षकों की नियुक्ति होनी शुरू हुई है उसमें योग टीचर हैं, उसमें MSc थ्रू आउट फर्स्ट क्लास, MA थ्रू आउट फर्स्ट क्लास, MCOM थ्रू आउट फर्स्ट क्लास, और इंजीनियर जैसे अच्छे अच्छे शिक्षक उसमें हैं। और पहले स्थिति ऐसी थी प्राइमरी स्कूलों की कि टीचर होते थे, बिल्डिंग होती थी, लेकिन बच्चे नहीं होते थे। मेरा आपसे आग्रह है कि आप दादरी क्षेत्र के और भी प्राथमिक विद्यालय आप जाएं और आप देखें, उनमें जाकर भी देखें, आप केवल एक विद्यालय की बात कर रही हैं, और विद्यालयों में जाकर के देखें उनकी साफ सफाई, उनका रख रखाव, उनका वाइट वॉश, और उनकी उन बच्चों के लिए हमने फर्नीचर की व्यवस्था पूरी की है, टीचर पूरे हैं, और बच्चों के लिए हम जब बच्चे का एडमिशन होता है बच्चे को जूता देते हैं, जुर्राब देते हैं, ड्रेस देते हैं, बच्चों को खाने के लिए देते हैं, और बच्चों के लिए सारी व्यवस्था वहाँ है, और कंप्यूटर की व्यवस्था भी वहाँ है। बहुत सारी जगह अभी कंप्यूटर की व्यवस्था सब जगह नहीं हो पाई है, लेकिन काफ़ी जगह हो गई है, पहले से सुधार है। दूसरी सबसे बड़ी एक विशेषता ये है कि पहले प्राइमरियों में प्राइमरी के ऊपर से जनता का विश्वास उठ गया था, क्योंकि बच्चे जब अभिभावक स्कूल में भेजते हैं तो इस उद्देश्य से भेजते हैं कि हमारे बच्चों का यहाँ भविष्य बनेगा। लेकिन प्राइमरी स्कूलों की एक बार साख खराब हो गई थी, बच्चे भेजने बंद कर दिए थे, बच्चे पब्लिक स्कूल में जाने शुरू हो गए थे। अब जनता का फिर विश्वास जगा है और अब प्राइमरी स्कूलों में संख्या बढ़ती जा रही है, अच्छे योग टीचर आए, अच्छी पढ़ाई करते हैं। और मुझे गर्व है कि हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी की सरकार ने शिक्षा के ऊपर बहुत ध्यान दिया है, अब आप देखेंगे बहुत बड़ा परिवर्तन है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप दूसरे विद्यालयों में जाएं। तो सुना आपने, विधायक जी ने कहा है कि दादरी क्षेत्र के बाकी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की हालत
मुबारकपुर प्राथमिक विद्यालय से बेहतर है और जल्द ही मुबारकपुर प्राथमिक विद्यालय की स्थिति को भी ठीक करा दिया जाएगा। कहा जाता है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन शासन प्रशासन जब इन बच्चों को बेहतर शिक्षा ही नहीं उपलब्ध करा पाएगा तो ये बच्चे देश तो दूर क्या अपना भी भविष्य बना पाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस बार दादरी विधायक तेजपाल सिंह नागर अपने आश्वासन पर खरे उतरते हैं और स्कूल की समस्याओं का समाधान करा पाते हैं, या यूं ही कोरे आश्वासनों से इस बार भी प्राथमिक विद्यालय मुबारकपुर अपनी बदहाली पर आंसू बहाता रहेगा। स्पेशल रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।